हेलो दोस्तों, WWE स्मैकडाउन 7 मई 2021 को सिजारो वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हो रहा है और इस मैच में पूरे चांसेस है कि यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस बीच में आ जाए और सिजारो के ऊपर अटैक करे। आज के स्मैकडाउन में डॉल्फ ज़िगलर वर्सेस रे मिस्टेरियो का भी मैच हो रहा है स्मैकडाउन में, और क्या क्या हो रहा है ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज के स्मैकडाउन थ्रोबैक स्मैकडाउन तो ये स्मैकडाउन काफी पुरानी स्टाइल में शुरू हुआ। उसके बाद हमें शुरुआत में यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का सेगमेंट देखने को मिला। रोमन रेंस ने डैनियल ब्रायन का मजाक उड़ाने के लिए डैनियल ब्रायन को 10 बेल सैल्यूट देने का नाटक किया। रोमन रेंस ने कहा कि मैं हर लोगों को वही देता हूं जो वो चाहते, और डैनियल ब्रायन स्मैकडाउन में रहना नहीं चाहते थे इसलिए मैंने उनका करियर खत्म कर दिया। रोमन रेंस ने कहा कि उन्होंने डैनियल ब्रायन को रिप्लेस कर दिया इस सुपरस्टार के साथ, और उसके बाद रिटर्न आए जिमी उसो। जिमी उसो के आने से रोमन रेंस और जे उसो दोनों काफी खुश थे, लेकिन तभी वहां पर सिजारो आ गए। सिजारो ने कह दिया कि डैनियल ब्रायन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आज मेरे पास तुमसे बहस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को पीछे से आते हुए देख लिया और रोमन रेंस हंसने लगे, और सेथ रॉलिंस ने सिजारो के ऊपर अटैक कर दिया, और उसके बाद सेथ रॉलिंस और सिजारो का ब्रॉल शुरू हो गया। और तभी वहां पर स्मैकडाउन के फॉरवर्ड मैनेजर टेडी लॉन्ग रिटर्न आए। टेडी लॉन्ग ने यह अनाउंस कर दिया कि अगर सिजारो सेथ रॉलिंस को हरा देते तो सिजारो को बैकलैश में यूनिवर्सल टाइटल का मैच मिलेगा। और उसके बाद शुरू हुआ सेथ रॉलिंस वर्सेस सिजारो का मैच। इस मैच में जिमी उसोज और जे उसोज सेथ रॉलिंस की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने कहा कि मैं रोमन रेंस नहीं हूँ, मुझे तुम लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद सेथ रॉलिंस ने धक्का दे दिया जे उसोस को, जिसकी वजह से जिमी उसोस ने सेथ रॉलिंस को सुपर किक मार दिया, और इसी बात का फायदा उठा के सिजारो ने पिन कर लिया सेथ रॉलिंस के ऊपर, और सिजारो इस मैच के विनर बन गए। इस मैच को जीतने के बाद सिजारो बन गए नंबर 1 कंटेंडर, और अब सिजारो रोमन रेंस को बैकलैश में फेस करेंगे यूनिवर्सल टाइटल के लिए। बैक स्टेज में जाकर सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस से कहा कि जे उसोस जिमी उसोस के वजह से मैं मैच हार गया। रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को कहा कि मैच तो तुम हार गए, लेकिन मुझे अब सिजारो को फेस करना पड़ेगा। और उसके बाद रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को याद दिलाते हुए कहा कि जब बात उनकी फैमिली की आती है तो रोमन रेंस किसी को नहीं देखते हैं। रोमन रेंस ने इनडायरेक्टली सेथ रॉलिंस को धमकी दे दिया कि वो उनकी फैमिली से दूर रहे। और उसके बाद रोमन रेंस के पास आए जिमी और जे उसोस। रोमन रेंस ने जिमी उसोस को कह दिया कि तुम्हें आए हुए 1 घंटा नहीं हुआ और देखो तुमने क्या कर दिया। और उसके बाद रोमन रेंस ने कहा कि तुमने जो गड़बड़ की उसे मुझे ही ठीक करना पड़ेगा, जिसे सुनकर जिमी उसोस को गुस्सा आ गया। जिमी उसोस ने कहा कि जैसे तुम मेरे भाई जे उसोस से बात करते हो वैसे तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, और उसके बाद जिमी उसोस वहां से चले गए। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि रोमन रेंस किसका साथ देते हैं, अपनी फैमिली का या अपने दोस्त सेथ रॉलिंस का। उसके बाद जे उसोस गए जिमी उसोस को समझाने के लिए, और जे उसोस ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं रोमन रेंस का गुलाम हूँ। जे उसोस ने कहा कि मैं रोमन रेंस की मदद सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि रोमन रेंस और हम सब एक फैमिली है। जिमी ने कहा कि रोमन रेंस तो यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं, अब हम दोनों को बनना है टैग टीम चैंपियंस। उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिला कि पॉल हेमन को रोमन रेंस ने बुलाया, और रोमन रेंस ने पॉल हेमन को कहा कि जाओ मेरे कजन को बुला के लाओ। और उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिला कि रोमन रेंस समझा रहे थे जे उसोस को। रोमन रेंस ने जे उसोस से कहा कि हम सब एक फैमिली है और मैं जिमी से भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। चलो हम सब मिलकर जिमी को समझाते हैं, जिमी को ये याद दिलाते हैं कि हम सब एक है और हम सब एक फैमिली है। और उसके बाद रोमन रेंस जे उसोस को लेकर रिंग में आ गए, और वहां पर जिमी उसोस भी आ गए। जिमी उसोस ने जे उसोस को याद दिलाया कि कैसे रोमन रेंस ने जिमी उसोस के ऊपर अटैक किया था, और जे उसोस ने रोमन रेंस से जिमी उसोस को बचाने के लिए आई क्विट बोल दिया था और मैच हार गए थे। रोमन रेंस ने जिमी उसोस को समझाने की कोशिश की कि हम सब भूल चुके हैं पुरानी बातों को। रोमन रेंस ने कहा कि या तो तुम मुझे ज्वाइन करो या तो स्मैकडाउन से चले जाओ। जे उसोस जिमी उसोस को समझाने के लिए गए, लेकिन उसी वक्त सिजारो ने आके रोमन रेंस के ऊपर और फिर जे उसोस के ऊपर अटैक कर दिया। जिमी उसोस ने बचाने की कोशिश की जे उसोस और रोमन रेंस को, लेकिन